हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक कर लिया, वो हो गया जर्म लेयर। उसके बाद एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड सेगमेंटेशन। ओके सो चला जाए स्क्रीन में। सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट वी डिस्कस इज कॉल्ड सेगमेंटेशन, है ना। तो नाउ सेगमेंटेशन का मतलब क्या है? तो इफ द बॉडी हैज ऑर्गन्स विच आर रिपीटेड इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी। तो इफ द बॉडी हैज ऑर्गन्स विच आर रिपीटेड इन ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी, ओके कॉमा, इट इज रेफर्ड टू एज ट्रू सेगमेंटेशन, और उसको हम लोग क्या कहते हैं, और मेटा मेरिज्म। अंडरस्टैंड? और इट इज रेफर्ड टू एज मेटा मेरिज्म। समझ रहे हो? अंडरस्टूड? नाउ एक्चुअली इसका मीनिंग क्या है, तो एक फोटो दिखाऊंगा एंड फिर उसको थोड़ा समझेंगे हम लोग। नाउ आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? ये वाला डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम देखिए, दिस डायग्राम। देखा आपको? यस सर। यस सर। नाउ अब इस डायग्राम, इस डायग्राम को देखिए, ये वाला, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम। इसमें आप क्या देख रहे हैं? जैसे ये चिंगुड़ी है, प्रॉन, तो आप प्रॉन में देख रहे हो सेगमेंट 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 सेगमेंट। तो इधर आप एक्सटर्नली सेगमेंटेशन देख रहे हो, तो देख रहे हो कि नहीं? तो आपका, आपको बाहर से सेगमेंटेशन दिख रहा है एंड अंदर से ये आपका, देखो ये भी आपको बाहर से सेगमेंटेशन दिख रहा है, अलग अलग ये देखो मसल्स हैं। तो वन सेगमेंट, अनदर सेग, रिपीट रिपीट रिपीट। तो आपका क्या हो रहा है, अगर इसके पीछे आप वर्टिब्रल कॉलम देखोगे, हर सेगमेंट में वर्टिब्रा होगा, हर सेगमेंट में रिब्स होगा, ओके तो इसको हम लोग कहते हैं रिपीटिशंस। नाउ आप अगर अगर आपका सपोज जो आप बाहर से देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप एक बिल्डिंग को बाहर से देख रहे हो, तो बाहर से वो एक कमरे का लग रहा है। अंडरस्टूड? तो व्हेन यू आर सीइंग इट फ्रॉम आउटसाइड, तो आपको लग रहा है कि वो एक सेगमेंट है। अंडरस्टूड? बट जब आप उसको अंदर झांकते हो तो उसके अंदर काफी सारे रूम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सटर्नली नॉट सेगमेंटेड बट इंटरनली सेगमेंटेड। समझ में आया? अब बाहर से आपको लग रहा है कि इसके अंदर पांच कमरे हैं, अंदर गया तो एक हॉल है। इसका मतलब क्या है बोलो? सेगमेंटेशन बस, तो एक्सटर्नली सेगमेंटेड बट इंटरनली नॉट, किंतु बाहर से आपको सेगमेंटेड। लग गया कि ये पांच रूम है एंड अंदर भी पांच रूम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नली तो ये है, तो ये ट्रूली सेगमेंटेड है। डू अंडरस्टैंड? तो इसी को कंसेप्ट कहते हैं। अब हमारा बॉडी देख लो, अगर आप मटन लेने जाओगे तो जो चेस्ट पीस लोगे, चेस्ट, तो उसको बोले आई एडू चाप मेरे दे, तो आर इज एनी बंगाली हियर, तो वो समझेगा चाप का मतलब क्या होता है। तो एक्चुअली जो रिब्स है उसका एक ऐसा पीस होता है, हम ऐसे काटेंगे कि उसमें एक रिब्स हो, एक वर्टिब्रा हो,
तो उस पूरे पीस को एक चाप पीस बोला जाता है, तो उसको आप लॉलीपॉप जैसे खा सकते हो आम ऐसे, है कि नहीं? तो आप पकड़ के उसको खा सकते हो ऐसे करके, सो दैट इज कॉल्ड ए चॉप पीस, चाप पीस। ओके, तो इसलिए आप क्या देख रहे हो उधर, एक वर्टिब्रल कॉलम है, एक रिब्स है, एसोसिएटेड मसल्स है। तो आप अगर काटोगे तो कितने सारे ऐसे सेगमेंट मिलेंगे, सो दैट इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। नाउ आप थोड़ा ध्यान दीजिए, रेलवे ट्रेन आप देख रहे हो कि नहीं, हर बोगी एक जैसा है? सपोज आप जनरल बोगी देखोगे, जनरल जनरल ट्रेन जो पैसेंजर होता है, उसके सारे डिब्बे एक जैसे होते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। बट क्योंकि हर डिब्बा में उतना ही सीट होगा, उतना ही टॉयलेट होगा, उतना ही पंखे होंगे, उतना ही खिड़की होगा, वैसा ही खिड़की होगा, वैसा ही टॉयलेट होगा, वैसा ही चेयर होगा। अगर आप स्लीपर ट्रेन देखोगे तो वो किस तरह का है बोलो? सर, सीट्स ऐसे एक में अरेंज होंगे स्लीपर, आप एक किसी में जनरल सीट, एक में एसी। हाँ, तो वो ट्रू है ना नॉट ट्रू है? यू कैन स्विच ऑन वीडियो, अभी तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ट्रू नॉट नॉट ट्रू। ट्रू सर, क्यों ट्रू नॉट क्यों ट्रू भाई? हर एसी एक जैसा है, हर स्लीपर एक जैसा है, हर जनरल एक जैसा है, हर थ्री टायर एसी एक जैसा है, हर टू टायर एसी एक जैसा है, हर स्पेशल एसी एक जैसा है, पैंट्री अलग है, इंजन अलग है, गार्ड अलग है। तो इधर क्या है, पूरा का पूरा बॉडी ट्रू सर, पूरे ट्रेन सेगमेंटेड नहीं कोच है। अलग अलग है ना, पूरे यस, तो उसमें ट्रेन अलग 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 तरह के सेगमेंट होते हैं, सो दैट इज वाई इट इज अलग ऑल्सो नॉट कॉल्ड ट्रू सेगमेंटेशन। तो ध्यान में आया कि नहीं? तो है। ये हम्म, कंसेप्ट है सेगमेंटेशन का। काहे कि ना, मेरा जो इंट्रोडक्शन टू टैक्सोनॉमी है इज अराउंड 47 पेजेस, बट इट्स नॉट पॉसिबल टू टीच यू। एंड अगर आप वो पढ़ लेते हो ना, आपको टैक्सोनॉमी किसी को पढ़ाने का ही जरूरत नहीं है, आप रीडिंग मारोगे तो अपने आप समझ में आएगा। क्योंकि हमने सब, अब जब सब टर्म बिल्कुल आता बिल्कुल है, जैसे आज वो लड़की पूछती है सर सेफलाइजेशन क्या है, क्यों पूछा मेरे को, वाई? क्योंकि वो समझ में नहीं आया। तो अगर हमने वो पढ़ लिया होता डिक्शनरी में, तो आपको पूछने का जरूरत पड़ता? तो जस्ट लाइक दैट, तो इफ यू नो दैट इज व्हाट इज एनेंसेफेली, आप बताइए, ट्राई टू डिराइव एनेंसेफेली। एक्चुअली आई टीच फुल बायोलॉजी ना, तो मैं जो पहला चैप्टर पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ कि हाउ टू क्रिएट नो वर्ड्स, डेफिनेट हेड, सर उसको हम लोग कहते हैं, यस वेरी गुड वेरी गुड। एन मतलब नो, एन मतलब है, सेफेली मतलब मुंडी। तो मुंडी ट्रू मुंडी नहीं है, दैट इज कॉल्ड एनेंसेफेली। बाइसेफलस कंडीशन, टू टू हेड्स, मुंडी है, दोनों दोनों डेफिनेट हेड है सर, आया डेफिनेट समझ? हेड टू है। तो अगर आप कैसे जान गए भाई, आपको पता था बाइसेफलस क्या होता है? नो पर बाई का मतलब दो, बाय मतलब टू, तो बाई का तो मतलब दो, मतलब और सेफलस सेफलस मतलब मतलब मुंडी। हेड। तो उसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड संधि विच्छेद। तो जब भी आप साइंस बायोलॉजी पढ़ेंगे, संधि विच्छेद करिए, ब्रेक योर वर्ड एंड मेक योर वर्ड, तो समझ रहे हो? तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे, डिप्लॉस टू ब्लास्टॉस जर्म लेयर, ट्रिप्लॉस थ्री ब्लास्टॉस जर्म लेयर। ओके, मेटा मेरिज्म ट्रू सेगमेंटेशन, मेटा नेफ्रिडिया, क्या नाम होगा उसका मान लो? तो अगर मेटा ट्रू है, तो नेफ्रिडिया मतलब एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो उसको ट्रू नेफ्रिडिया बोलेंगे, है ना? तो उसी तरह से, तो ये सब आपके टर्म्स हैं। ओके, तो दैट इज अ वे। तो इसलिए आप उस टॉपिक को पढ़ के डाउट्स पूछ लेना मेरे को, क्योंकि वो हर चीज पढ़ाया नहीं जाएगा, मेरी सर, मजबूत। आप ये टर्म्स हमको सर दे आप थोड़ा सकते दे हैं, सकते हैं उसको, वो डिक्शनरी को ये टर्म्स सब? जिसमें सर मैं हाँ सर, टर्म्स लिख प्लीज पूछ। दिक्कत शेयर कर सकती हूँ, आप टर्म्स यस के सर, थ्रू जैसे में थोड़ा टर्म्स हम लिखा लोगों को वो देख, दे दीजिए सर, कैसे देंगे बताओ? आप तो कालू वाले हो। चलो, नो सर, आने वाले नहीं वाले नहीं है सर, हम प्लीज जैसे वाले हैं। आप बन, हम शोरी शोरी आप बन डीएफ करके आपको फॉलो करते हैं। शोरी शोरी शोरी। ओ दैट इज द, सर, दैट इज द, सर।
सुनो, दैट इज द राइट ऑफ द अदर स्टूडेंट्स। चलिए, अब समझ रहे हो कि नहीं आप? सिग्नल समझ लो। चलिए, तो समझ में आ गया। तो इसलिए आपको वही मिलेगा जो मिल रहा है। फिर भी आपको मैं बहुत दे रहा हूँ ये सब, तो आपको आप तो देख ही रहे हो, वो नोट तो मैं दिखा ही रहा हूँ आपको हर बार। चलिए, तो आ गया समझ? तो दिस इज द सेगमेंटेशन। तो इसमें एक नोट है एक्चुअली, नोट। नोट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ट्रू सेगमेंटेशन इज ओनली यूज्ड इफ मीजो डर्मल ऑर्गन्स रिपीट। समझ रहे हो? तो अगर आपका मीजोडर्मल ऑर्गन्स रिपीट करेगा तभी उसको ट्रू बोलते हैं। जैसे आप एक प्रॉन को देख रहे हो, आपको देख रहे हो ना, अलग अलग सेगमेंट है, तो हमने क्यों उसको ट्रू नहीं बोला, एक्सटर्नल क्यों बोल दिया? क्योंकि वो सिर बाहर है। तो जो उसका स्किन है वो किस चीज से बना है? एक्टोडर्म से। तो इसलिए एक्टोडर्म्स हम उसका छिलका देखकर नहीं बोल सकते कि वो ट्रू सेगमेंटेशन है। हाँ, बट वो अंदर से भी सेगमेंटेड होता है, उसमें इंटरनल पार्टीशंस होते हैं। तो इससे उसका मेटानेफ्रिडिया वो रिपीट करता है। तो एक्चुअली आर्थ्रोपोडा में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल होता है। अब ह्यूमंस में हम लोग क्या देख रहे हैं? हम लोग जनरली बाहर से हमको लगता है हम सेगमेंटेड नहीं है। कैसे नहीं है? आप आशा किरण को देख लो, उसका पीठ अगर देखोगे वो वर्टिब्रा दिखेगा आपको, क्योंकि वो सुकड़ी सी है कि नहीं? अस्मित दास, उसका शर्ट उतारो आप देखोगे वर्टिब्रल कॉलम दिखेगा आपको। अब हम जैसे पतले लोगों का नहीं दिखेगा, बट अस्मित दास का तो हड्डी दिखेगा कि नहीं पीछे? तो आप जान जाओगे वो एटा वर्टिब्रा नंबर वन यस टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन। तो आप देख पा रहे हो वर्टिब्रा मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है। बड़ा बदतमीज आदमी है यार, तू मीजोडर्म बाहर से कैसे देख लिया? अरे दिख रहा है, मैं क्या करूं, आंख फोड़ दूं? तो समझ रहे हो कि नहीं? तो अगर मीजोडर्मल ऑर्गन्स रिपीट कर रहा है, तो बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, सर व्हाई आर यू नॉट पुटिंग वर्टिब्रेट्स, जो हम लोगों को, इन ओनली इंटरनल सेगमेंटेशन, क्यों? आप बॉडी, आप एट पैक्स बना लो, आपको दिखेगा। अस्मित दास का रिब्स दिखेगा, अस्मित दास का पीछे से वर्टिब्रा दिखेगा। तो वी कैन से ही इज ट्रू सेगमेंटेड, एंड अंदर देखोगे तो वो तो है ही है। अंडरस्टूड? तो इसलिए जिस केस में बोथ एक्सटर्नल, इसमें हम लोग लिख सकते हैं, और इफ एक्सटर्नल सेगमेंटेशन इज सपोर्टेड बाय इंटरनल सेप्टा। सेप्टा का मतलब क्या होता है? पार्टीशंस। ओके, सो इंटरनल सेप्टा या पार्टीशंस, इट इज ऑल्सो रेफर्ड, ओके, सेप्टाटिशंस। ओके, इट इज ऑल्सो रेफर्ड टू एज क्या? ट्रू सेगमेंटेशन। ठीक है, ट्रू सेगमेंटेशन। चलिए, तो आप लोग गुड बॉयज हो, तो इसलिए मैं आपको फॉल्स सेगमेंटेशन पढ़ा देता हूँ। जनरली वो हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्लास में। ओके, यू नो व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट देयर इन योर सिलेबस। तो आपका जब ट्रू है तो सर फॉल्स बताइए। तो फॉल्स सेगमेंटेशन, या उसको हम क्या बोलेंगे? सूडो। सूडो का मतलब होता है फॉल्स। तो सूडो मेटामेरिज्म। ओके, सूडो मेटा में, हाँ बोलो। सर, मेटा रहने से तो वो ट्रू हो जाएगा। नहीं, आगे सूडो लगा दिया ना, तो सूडो का मतलब ही फॉल्स है। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड सूडो मेटामेरिज्म। ओके, नाउ अब इन दिस केस द बॉडी अपियर्स टू बी सेगमेंटेड। ओके, अगर आप उसको देखोगे, एक्चुअली अगर आप मेरे को पूछोगे ना, तो फ्लैट वर्म सबसे अच्छा एग्जाम्पल है
सेगमेंटेशन का, बट उसका लफड़ा है। तो इन केस, इन दिस केस द बॉडी अपियर्स टू बी सेगमेंटेड, आपको लगेगा कि वो सेगमेंटेड है, बट कारण है, कारण नंबर वन, देर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेगमेंट्स, कारण नंबर दो, द एंटायर बॉडी इज नॉट प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम, तो पूरा का पूरा बॉडी इकट्ठा नहीं बना है, अंडरस्टैंड। सो उसका सबसे खूबसूरत एग्जाम्पल है क्या, टेप वर्म्स। तो टेप वर्म्स, तो इसमें इट हैज ए स्कॉलेक्स, स्कॉलेक्स क्या है, सूडो हेड। ओके, तो अब सूडो हेड है तो उसमें कौन सा सेफलाइजेशन होगा, बोलिए। सिंपलाइजेशन बस, नहीं नहीं एनन नहीं, सूडो सूडो एनन नहीं, सूडो सूडो। तो स्कॉलेक्स उसके बाद होगा इमैच्योर, उसके बाद होगा मैच्योर मेल, उसके बाद होगा बाइसेक्सुअल, उसके बाद होगा ग्रेविड, उसके बाद होगा एपोलाइटिक सेगमेंट्स, समझ रहे हो। तो ये आपके अलग अलग तरह के सेगमेंट्स हैं, तो आया समझ। तो इसका सर मतलब, ग्रेविड, हाँ बोलो। सर ग्रेविड मतलब करके सुडो क्यों यूज कर रहे हैं? अब आप मतलब मत पूछा करो, क्योंकि आप जानते हो कि इतना हम नहीं बता सकते। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सुडो, सुडो इसलिए बोला जाता है कि वो ट्रू हेड नहीं है, समझ में आया। अब ग्रेविड का मतलब होता है राइप, पका हुआ, फाइन। तो ये मैं आपको एक और बार समझाऊंगा फ्लैटवर्म पढ़ते समय, अभी वो नहीं समझोगे आप, क्योंकि आप लोग कुछ भी टैक्सोनॉमी नहीं पढ़े ना 9th में, आपको वो आइडिया नहीं आएगा। तो सुनिए, एक्चुअली कौन होची, अभी आप सिर्फ स्यूडो मेटाबॉलिज्म समझिए। इसका सपोज 100 इमेच्योर सेगमेंट होगा, सारा जीरोक्स कॉपी, एकदम जीरोक्स कॉपी, सारे मैच्योर मेल जीरोक्स कॉपी, सारे बाइसेक्सुअल जीरोक्स कॉपी, सारे ग्रेविड जीरोक्स कॉपी, बट सारे के सारे नॉट जीरोक्स कॉपी, अंडरस्टूड। तो हम ट्रू कब बोलते, अगर एवरी सेगमेंट एक जैसा होता, बट यहाँ अलग अलग सेगमेंट बनता है। नाउ अब सेकेंड पॉइंट में हमने लिखा था पूरा बॉडी इकट्ठा नहीं बना। अब चिन्मय जब पैदा हुआ था उसका मुंडी आया, फिर धीरे धीरे उसका गर्दन बना, फिर धीरे धीरे उसका छाती बना, फिर धीरे धीरे उसका पेट बना, फिर धीरे धीरे उसका पेल्विस बना, फिर धीरे धीरे उसका थाइस बना, फिर धीरे धीरे उसका लात बना। ऐसे बने थे आप ना, इकट्ठा आए थे। ऐसे बने थे सर, एक हाँ बोलो। बने तो डिड यू ओरिजिनेट लाइक दिस, या आप जब पैदा हुए आपका सब कुछ था? सब कुछ था सर, तो सब कुछ पैदा था, होते वक्त सब कुछ। हाँ तो समझ रहे हो। तो इसलिए आपका ग्रोथ अलग अलग ऑर्गन्स का हुआ है, बट टेप वर्म में ऐसा नहीं होता है। टेप वर्म में पहले हेड एंड नेक होता है, फिर नेक से इमेच्योर निकलता है, फिर मैच्योर मेल बनता है, फिर फीमेल। तो इसका क्या है, जो आप बॉडी देख रहे हो ना, वो सारा का सारा एक समय का नहीं बना है, प्लस पीछे से वो सेगमेंट फेंकता रहता है। अगर मैं आपको पूछूं ओल्डेस्ट सेगमेंट, ये सब नीट क्वेश्चन है, बट पढ़ाया नहीं जाता है, एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए आपको भी नहीं पढ़ाएंगे। तो अब आपका जो मैं पूछूं विच इज द ओल्डेस्ट सेगमेंट, वो तो है ही नहीं, वो तो चला गया, तो समझ रहे हो। तो इस तरह से उसका कंसेप्ट होता है। तो होल बॉडी नॉट प्रोड्यूस एट द सेम टाइम, पॉइंट नंबर टू, एवरी सेगमेंट डिफरेंट टाइप्स। जैसे आपने एसी देखा, तो
तो हर एसी स्लीपर एक जैसा होता है, हर एसी थ्री टायर एक जैसा होता है कि नहीं? बट वो टू टायर यस जैसा सर, नहीं होता, टू टायर स्पेशल एसी जैसा नहीं होता, स्पेशल एसी जनरल जैसा नहीं होता, बट हर जनरल एक जैसा होता है। तो आ गया समझ? तो इसको हम लोग क्या यस कहेंगे? सर, तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ सेगमेंटेशन। तो ओके, तो आप एक्सटर्नली सेगमेंटेड हो बट अंदर से नहीं हो, ऐसा भी हो सकता है। आप बाहर से पता नहीं लग रहा बट अंदर से सेगमेंटेड हो सकते हो, बट आप दोनों से भी सेगमेंटेड हो सकते हो। अंडरस्टूड? जैसे अगर आप मेरा ये हॉल देखोगे तो ये एक हॉल है, बट अगर मैं यहाँ दीवारें डाल दूँ तो ये एक दो तीन चार रूम बन जाएगा। तो अब आपको लग रहा है ये एक रूम है, बट जैसे तुम लोग सब आए मेरे घर तो मैंने इसको चार पार्टीशन बना दिया। अब तो इस तरफ कुछ बच्चे हैं, उस तरफ कुछ बच्चे हैं, इस तरफ कुछ बच्चे हैं, उस तरफ कुछ, तो मैंने पार्टीशन क्रिएट कर दिया। तो दैट इज कॉल्ड सेप्टा। तो अगर सेप्टा ऑलरेडी अंदर है सो एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटरनल, अगर सेप्टा नहीं है ओनली एक्सटर्नल नॉट इंटरनल, सेप्टा है बट बाहर से पता नहीं चल रहा तो ओनली इंटरनल नॉट एक्सटर्नल। नॉट ओके, एक्सटर्नल। आ गया मजा? चलिए तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। ओके नाउ, अब ये जो आपका है सो दिस इज द केस, आगे चला जाए तो अब ये देखिए अलग अलग एनिमल्स हैं। तो ये देखिए एनेलिडा, आर यू एबल टू सी दिस डायग्राम? तो एनेलिड्स में क्या होता है एक्सटर्नली? ओके, तो ये ट्रू सेगमेंटेशन है। देखो ये आपका तीन सुंदर सुंदर एनिमल दिया हुआ है, देखो ये सब पॉइंट्स है, देख रहे हो ऑल ऑफ यू? ये आपका सेगमेंटेशन का डिफरेंट पॉइंट है। देखो तो सेगमेंटेशन भी कितना फैला हुआ है, देखो पॉइंट इधर से शुरू हुआ एंड इधर खत्म हुआ, बट आपको मैंने कितना ज्यादा पढ़ा दिया आप देख रहे हो कि नहीं? सो लाइक दैट। चलिए तो ये देखिए ये आपका तीन तरह का सेगमेंटेशन देख रहे हो, ये अर्थवर्म है तो इसका एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, ये आपका आर्थ्रोपोडा है एक्सटर्नल साफ दिख रहा है, इंटरनली भी सेप्टा हो सकता है। अगर आप कंकड़ा खाए हो आपने सेप्टा फील किया होगा कि पार्टीशन पार्टीशन पार्टीशन, आराम से अगर कंकड़ा का बीच वाला पीस खाओगे ना आपको अलग अलग से निकालना पड़ेगा, उसमें बीच में पार्टीशंस होंगे, बट फिश में सेप्टा नहीं होता है सिर्फ दिखता है। ओके, फिश में अलग अलग इंटरनल सेप्टा नहीं होता है। अंडरस्टूड? चलिए तो ये आपका हो गया सेगमेंटेशन, सीलोम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फाइन। सो अब हम लोग चले जाएंगे बेसिकली डाइजेस्टिव सिस्टम पे। तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो कल से नेक्स्ट वीक से हम शुरू कर देंगे पॉलीफेरा, ठीक है ना? अब उतना टाइम नहीं होता ना, कह रहा एनसीईआरटी मैंने 11th का सिलेबस बहुत बल्की है, समझ रहे हो? तो वो बड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए स्कूल में ख़त्म करना पड़ जाता है। सर आप हर दिन एक एक्स्ट्रा क्लास ले जाइए हमारा। वो इज नॉट पॉसिबल ऑफिशियली है कि नहीं आप जानते हो। चलिए तो अब सर हमारा आप बोल के है, बोल दीजिए। सर वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं इसके लिए। ओ नहीं बोलो, वो बोलने से बोलो क्या बोलेंगे कि सर को ही ज़्यादा लगता है। चलिए सो आप वो खुद पढ़ो ना, तो दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ ऑन द बेसिस सी सिस्टम डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाई जजेस नीड्स मोर टाइम, उनको लगता है सर मोटा आदमी है तो स्लो है, वो ये नहीं समझते कि हम ज्यादा पढ़ते हैं, ठीक है कि नहीं? सर हम समझा देंगे, वैसे कुछ नहीं है। ओहो, सर हम समझा देंगे सर, आप हर दिन एक क्लास सर प्लीज सर। नो डोंट टेल दिस, क्योंकि वो नहीं समझेंगे। अब वो ऑलरेडी लोग कोशिश करते हैं, वो उल्टा मेरे पे पड़ जाता है कि तुम्हें क्यों ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। चलिए अब मैं उनको समझा नहीं सकता, भाई दोज हु डोंट वांट टू लिसन उनको कैसे समझाओगे? चलिए तो ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज रिजल्ट चाहिए, कैसे आता है वो उनको नहीं चाहिए। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, ओके आई विल यूज डीएस इन शॉर्टकट, द एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स,
कि नहीं? तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम द एनिमल्स आर ऑफ टू टाइप्स. तो एक जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, नंबर वन इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट डीएस. तो व्हाट इज इनकम्प्लीट डीएस? तो इन दिस केस देर इज नो एनस. ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम हैज ओनली वन ओपनिंग नोन एज माउथ. ठीक है, इसमें एक ही ओपनिंग होता है. एंड हमने इसका एक रिलेटेड टर्म ऑलरेडी पढ़ लिया है, वो क्या है बोलो? प्रोटोस्टोमस. नहीं 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 नहीं, ब्लाइंड सैक. व्हाट है ब्लाइंड सैक? तो ब्लाइंड सैक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. हाँ, तो समझ रहे हो? तो इसमें एग्जांपल कौन आ जाएंगे? इसमें आ जाएगा नेडारिया टू प्लेटी हेलमिंथेस. ठीक है जी. नाउ उसके बाद आ जाएगा बी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. तो कॉपी पेस्ट कर दिया जाए. सो इन दिस केस द इन दिस केस देयर इज ए डेफिनाइट एनस. ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग्स नोन एज माउथ एंड एनस. ओके, तो माउथ एंड एनस, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? आप स्ट्रेट अवे ले लो पूरा, नेमाटोडा टू कॉर्डेटा. ठीक है, तो ये हमारा आ गया टर्म विथ रेस्पेक्ट टू डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम का टर्म दिया नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगा. अब आपका सीधा दिया है सर्कुलेशन. तो टर्म्स रिलेटेड मैं क्यों बोल देता हूं आप लोगों को, ताकि आप घर जाके पढ़ सके. आप डाउट पूछोगे तो मैं बता दूंगा. तो टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलेशन या सर्कुलेटोरी सिस्टम. ओके, टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे? तो पॉइंट नंबर वन इज ओपन सर्कुलेशन. ठीक है जी. तो उसका मतलब क्या है? इन दीज एनिमल्स, इन दीज एनिमल्स ब्लड एज ए होल नेवर रिमेन्स विद इन ब्लड वेसल्स. तो पूरा का पूरा ब्लड कभी भी ब्लड वेसल के अंदर नहीं रहता. तो ब्लड एज ए होल नेवर रिमेन्स विद इन द ब्लड वेसल्स. अंडरस्टैंड? सो ये आपका टर्म है. तो इट ओपन्स इनटू गैप्स नोन एज साइनसेस. लेटर दिस दे लेटर द ब्लड इज कलेक्टेड बैक. बट आप जानते हो बट